नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर बाराबंकी से आ रही है। बीती रात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, जेवर गहने नकदी सहित लाखों का माल किया पार। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जनपद की तहसील हैदरगढ़ थाना क्षेत्र सुबेहा के ग्राम सभा सिधियावा का है, जहां बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बना लिया और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। सुबह जब घर वाले सोकर उठे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। जब घर में देखना शुरू किया तो पता चला कि जेवर गहने सहित अन्य कीमती सामान और नकदी गायब है। शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय थाने सुबेहा पर सूचना दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी संतोष कुमार दलबल सहित मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली और कहा कि बहुत जल्द चोरों की घटना का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रविन्द्र कुमार मिश्रा के साथ बाराबंकी से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। कौन सा गाँव है? ग्राम श्रीहा। पोस्ट? इस्लामपुर। जिला? बाराबंकी। ये जो घटना हुई है कैसे, कुछ उसके विषय में बताइए आप। आपके यहाँ जो घटना हुई है? घटना के स्थल पे हम सबको रात में हमारे सोया था, इसके दूसरे घर से छप्पर से आए हैं। रात में जितना सामान था हमारे घर का, जेवर जरा रुपया पैसा था, सब लेकर गए हैं। अलमारी का लोकर तोड़ के संदूक से जितने थे हमारे बाग में मिले हैं जाकर। और रात में हम जब सुबह उठे तो जब देखा हमें पूरे हर एक उसकी खोज करी तो उसमें हमें उसकी जानकारी मिली। कैश हमारा 1,47,000 रुपए था और मेरी बीबी के पूरे सामान था, मेरी मम्मी के पूरा सामान था, चाची का सामान। लगभग कितने का सामान लगभग अनुमान? 1.5 लाख का था। 1.5 लाख का। और क्या ले गए? सामान ले गए हैं, पैसे ले गए हैं जी, कपड़े वपड़े कुछ ले गए हैं। कितने घरों में हुई चोरी? 2 घरों में हुई। दूसरा घर कौन सा है? जी हमारे पड़ोस में है। वो कौन है आपकी? हमारी दादी हैं। अच्छा जी। जिसमें तो वहाँ परचून की दुकान थी, जिसमें से जो गल्ले का डिब्बा था वो डिब्बा लेकर गया। पुलिस से आपने शिकायत की? पुलिस से हमने शिकायत की, पुलिस मौके पर आकर छानबीन कर रही है। 10,000 रुपए अलमारी में रहा वो ले गए हैं। पुलिस आई थी मौके को छानबीन करके लेके गई है। पूरा थाने के लिए बुलाया हमने, थाने के आइए अब वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। चलिए।